तो चलो बस अभी अपन निकलते हैं अपने रेड शूज़ के साथ, वहीं से अपन ले लेंगे। सॉरी मतलब मैंने ऐसे ही बैठा रिलैक्स किया। द क्लाउड्स लुक वेरी वेरी प्रिटी। सुबह बहुत गर्मी होती है ना, बट हेलो जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, लास्ट एक हफ्ते की आई फील आज का दिन सबसे ज़्यादा गर्म है। अभी मैं बाहर जाके आया और मैं सिर्फ स्कूटर पे एक 15 मिनट शायद से ट्रैफिक में अटका था। इतना ज़्यादा पसीना, मतलब मेरे पूरे बॉडी से ना पानी छूट गया था। और आज अपन ऑलमोस्ट एक महीने के बाद व्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैंने व्लॉग किया था सूरत में। और उसके बाद मैंने सोचा था कि मतलब मैं 4-5 वीडियोस तो बना गए बिफोर माई सिस्टर्स वेडिंग स्टार्ट, लेकिन जो एक हफ्ता था मेरी बहन की शादी के पहले वाला, वो हफ्ता मतलब भाई ऐसा गया कि मतलब क्या ही बताऊँ। 7 दिन के टाइम में मैंने 4 शूट्स किए, एक शॉर्ट फिल्म बनाई, बिगुलिन के साथ शूट किया, मेरा एक अमेजोन का वीडियो शूट किया, और भाई अमेजोन के लिए दूसरे रील्स वगैरह भी बनाए। और इतना ज्यादा मतलब वो हफ्ता इतना हेक्टिक था, मैंने बोला छोड़ो अपन एक ब्रेक ले ही लेते हैं एक महीने का आराम से। और अभी ऑलमोस्ट 15 या 20 दिन के बाद ये व्लॉग जा रहा है। ओहो लेकिन अपन मई जून जुलाई ये 3 महीना जो है ना, इतना ज्यादा कंटेंट मैं अभी डालने वाला हूँ कि मतलब आपको कमी नहीं लगेगी कि भाई अमन कंटेंट क्यों नहीं डाल रहा है अभी, मतलब बैक टू बैक। एनीवे अभी व्लॉग आगे बढ़ाने के पहले आई नीड टू लीव फ्रॉम हियर, क्योंकि ये जो सूरज दादा है ये मेरे सर के एकदम ऊपर है, और अगर मैं 5 सेकंड भी और यहाँ रुका कड़कती फड़कती धूप से सीधा घर आके एसी चालू करके ऐसे पलंग पे लेट जाना, आय हाय हाय क्या मजा आता है इस चीज में यार। मतलब अलग ही कुछ सुकून मिलता है, अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा लगता है कि मतलब बस दुनिया है, यही है, जो है सब है। जैसे ही घर से बाहर निकलो, मतलब बिल्डिंग के बाहर पैर रखो, तौबा तौबा तौबा। तो ये जो 15-20 दिनों का मैंने ब्रेक लिया, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो गई मेरे साथ। एक तो मेरी बहन की शादी हो गई, सेकेंडली मुझे ये रूम मिल गया, आपसे ये पूरा रूम मेरा अकेले का। आई कैन शूट व्हेनेवर एंड हाउएवर आई वांट टू। इसके साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई जिसमें आई वॉज द मेन डीओपी, और मतलब वो शॉर्ट फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। और इतनी बड़ी शॉर्ट फिल्म हमने ऑलमोस्ट 1.5 दिन के अंदर पूरी बनाई, एडिट वगैरह भी की। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि यार 15 दिन का ब्रेक मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। एंड विद दिस आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो भी मेरे को ये 15 दिन के अंदर ही आया, दैट आई शुड शो यू ऑल दैट मेरा शू कलेक्शन क्या है। बिकॉज मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पहले अराउंड 2019-20 के टाइम पे मेरे को शूज का इतना शौक था नहीं, और मैं अपने स्लिपर्स में घूमता था। लेकिन जब से मैंने एक शूज परचेज किए थे नाइकी के बहुत पहले, जब से वो लिए ना मेरे को शूज का अलग ही शौक चढ़ गया। So these are the 5 brand new ताज़ा चाय से भी ज़्यादा गरम शूज दैट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेजोन। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक अमेजोन फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, क्योंकि अगर अमेजोन नहीं होता तो ये सब चीज़ें मेरे पास आज आती नहीं। और जब से ये सारी चीज़ें आई है, मैंने अपने अगले 3 से 4 ट्रिप का जो भी मेरा शूज़ का प्लानिंग था वो सेटल आउट कर लिया है, क्योंकि अपने बर्थडे के आसपास शायद एक ऐसी जगह जाऊँगा जो मेरा एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। वो जगह कौन सी है एक छोटा हिंट दूँ तो वो बहुत ऐसा हाइट पे आई है वो जगह, अब समझ लो। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी स्नीकर्स जो ब्राउन कलर के है फ्रॉम द ब्रांड सिंबॉल। ये मैंने पर्टिकुलरली इसलिए ऑर्डर किए क्योंकि मेरे ना एक व्हाइट ट्राउजर है, उसके नीचे मेरे को कोई ब्राउन कलर के स्नीकर्स चाहिए थे। एंड मैंने बहुत सारे देखे बट कोई ऐसा देख के मजा नहीं आ रहा था मेरे को, बट देन आई फाउंड दिस ऑन अमेजॉन और भाई दिल आ गया। बिकॉज ऑफ दिस डार्क ब्राउन स्ट्राइप्स जो आप देख रहे हो ना, इसके वजह से ऐसा दिल ऐसा इसके ऊपर आ गया। तो मैंने बोला ये लेना तो बनता है, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। और इसका फिटिंग इतना मस्त है और मेरे व्हाइट ट्राउजर्स के नीचे इतना अच्छा लग रहा है कि अब से अपन कोई भी इवेंट या पार्टी में जाएंगे तो अपन ये वाले स्नीकर्स पहन के ही जाएंगे। द सेकंड शूज वी हैव आर दीज बोर्ज रनिंग शूज जो ब्लू कलर के, इसमें काफी सारे अलग अलग कलर्स भी है, लेकिन अपने को ब्लू लेना था क्योंकि ब्लू क्या है ना बहुत ऐसा फेवरेट कलर है। तो ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए लिए बिकॉज मैं जब सुबह रनिंग वगैरह करने जाता हूँ तो मेरे पास जो पुराने मेरे शूज है वो ऑलमोस्ट अभी फटने को आ गए एंड आई नीड न्यू शूज, तो ये ले लिए। एंड इसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, इसमें एक्स्ट्रा कंफर्ट है बिकॉज ऑफ इट्स सोल। इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट, जैसे आप इसके अंदर पैर रखते हो ना ऐसा लगता है अपने क्ले के ऊपर पैर रखा है, मतलब इतना ज्यादा सॉफ्ट। ये देखो यहाँ पे इतना अच्छा कुशन है ना कि आपके पैरों पे दर्द ही नहीं होगा। नेक्स्ट वी अगेन हैव द बॉर्ग रनिंग शूज, और ये मैंने स्पेसिफिकली अपने डैड के लिए ऑर्डर किया। ही टोल्ड मी कि यार अमन मेरे को नए शूज चाहिए जो एकदम लाइट वेट है और ये इतने ज्यादा लाइट है ना, आई एम नॉट इवन किडिंग, ये 100 ग्राम के आसपास कुछ होएगी। एंड अंदर इसके कुशन है जिसकी वजह से अगेन आपके एंकल पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड डैड हिज एज इज 50, तो उनके लिए तो मतलब और ही ज्यादा अच्छी चीज है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप लोग को वॉकिंग या फिर मॉडरेट रनिंग के लिए शूज चाहिए तो ये वाले एकदम परफेक्ट फिटिंग है। और ये मेरे को भी फिट आ रहा है, तो शायद मैं भी पहन सकता हूँ कभी कभी ऐसे ही बीच बीच में। नेक्स्ट अगेन आई हैव द सिंबल के सेम स्नीकर्स, जो मैंने पहला जो मैंने दिखाया था वही वाले हैं, बस वो ब्राउन कलर में और ये ब्लैक कलर में है। तो ब्राउन तो मैंने अपने व्हाइट ट्राउजर्स के नीचे पहनने के लिए लाया है, और ये वाले जो है ये ब्लैक होने की वजह से आई कैन वेयर इट अंडर एनीथिंग। और अगर कभी ऐसा मन किया कि प्रॉपर मैन इन ब्लैक बनूं तो ये मैं अपने ब्लैक ट्राउजर्स के नीचे भी पहन सकता हूँ, ब्लैक जीन्स के नीचे भी पहन सकता हूँ। एंड दीज आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। अपने को क्या है ना, अलग अलग कलर्स लेना बहुत पसंद है, क्योंकि कभी मान लो ब्राउन पहनने का मन नहीं किया तो व्हाइट के नीचे अपन ब्लैक भी पहन सकते हैं। तो वंस अगेन अ वेरी गुड कंफर्टेबल स्नीकर। इफ यू वांटेड यू कैन चेक इट आउट, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ द लास्ट स्नीकर दैट आई बॉट फ्रॉम Amazon एंड माय पर्सनल फेवरेट, मतलब ये लेते टाइम जैसा मन में ऐसा खुशी हो रहा था ना मेरे को कि भाई मिल गया, अपने को एक अच्छा स्नीकर मिल गया। सो आई गॉट दीज Puma के अल्ट्रा 5 स्नीकर्स। दे आर टू गुड, मतलब टू गुड। और ये रेड कलर के साथ आपको ब्लैक में भी मिलेगा। मैंने ब्लैक नहीं लिया क्योंकि भाई ब्लैक ऑलरेडी बहुत है, मेरे को थोड़ा अतरंगी टाइप का कुछ स्नीकर चाहिए था, एंड आई बॉट दीज। और भाई इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है। स्पेशली ये जो आप यहाँ पे होल्स वगैरह देख रहे हो ना, इसकी वजह से और ज्यादा कंफर्ट बढ़ जाता है और पैरों में ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, जिससे पसीना नहीं होता, जिससे रैशेज नहीं होते। एंड इसका जो डिजाइन है, देखो यार, यह कैसे किसी को पसंद नहीं आ सकता है। ये स्नीकर्स मतलब इतने ज्यादा अच्छे हैं, देखो यार ये मैं शॉर्ट्स पे भी पहन रहा हूँ ना, ये बहुत मस्त लग रहा है। तो सोचो अगर प्रॉपर रेडी हो गया फिर पहना तो मजा ही आ जाएगा यार। वेरी 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 नाइस। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे जो फेवरेट शूज है ये Puma वाले, ये वाले जो है ये वाले, इनको पहन के मैं जाऊँगा अपने एक दोस्त को मिलूंगा और लेट्स सी उसका क्या रिएक्शन होता है, उसको ये शूज़ अच्छे लगते हैं कि नहीं है। और अगर उसको ये शूज़ बहुत एक्सट्रीम अच्छे लग गए तो मैं उसको गिफ्ट दे दूंगा। लेट्स सी अगर उसको अच्छे लगे तो ही। चलो बॉस लेट्स गो। तो चलो बॉस अभी अपन निकलते हैं अपने रेड शूज़ के साथ। देखो क्या लग रहा है यार ये शूज़, मतलब बड़े मस्त लगे मेरे को। लेट्स सी हुसैन का क्या रिएक्शन होता है। अरे यार पेट्रोल पेट्रोल यार, पेट्रोल जितना भी भरा दो ना साला कम ही पड़ता है अपने को पेट्रोल। तो पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ, आई रिमेम्बर मैंने आई गेस 4 या 5 दिन पहले ही भराया था और मेरी 4 डंडियाँ थी, अभी सिर्फ 1 डंडी बची है। थैंक्स टू माई सिस्टर्स वेडिंग मैंने इतने ज़्यादा राउंड्स मारे हैं मेरी बहन की शादी में। और ये चीज़ तो मतलब मैंडेटरी, अगर तुम भाई हो अपनी बहन की शादी में तो तुम कोई मजदूर से कम नहीं हो। इतना काम होता है भाई, इतना काम। मुझे चाहिए था कोई मेरा BTS शूट करे कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, मतलब हद से ज़्यादा मैंने काम शायद तो कर ही लिया होगा। बट खैर ठीक है यार। लेकिन कुछ भी बोलो यार, वर्ली क्या डेवलप कर रहे हैं यार। एज यू कैन सी ये देखो साइड में बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप कर रहे हैं। एंड आई फील इन द नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स और मे बी 5 ईयर्स दिस प्लेस वुड एक्चुअली लुक वेरी वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लिटअप। अभी यहाँ पे भी सब बैठने वगैरह के लिए कर दिया है। तो सबसे पहले तो यार अपन पेट्रोल भरा लेते हैं, बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। और यहाँ भी गर्दी, ट्रैफिक ट्रैफिक एंड ट्रैफिक। यार मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, यहाँ भरने को बहुत टाइम लगेगा। आगे और एक पेट्रोल पंप है, वहीं से अपन ले लेंगे। सॉरी देखा नहीं मैं, आई एम सो सॉरी। प्रॉब्लम हो गई, आंटी को लग गई थोड़ी सी, मैंने एक्चुअली पीछे देखा नहीं। दैट्स माई मिस्टेक, आई गेट इट। पेट्रोल, अरे सर आई रियली डोंट लाइक दीज पीपल। इतना मतलब अच्छा खासा बड़ा रोड है और तुम कहीं से भी रॉन्ग वे लेके आ रहे हो यार। ऐसे लोगों को इतना ज़्यादा फाइन मारना चाहिए ना कि ये लोग ज़िंदगी में कभी ऐसी हरकत करने की सोचे ना। मतलब इट इज़ सो अनएथिकल, इट इज़ सो रॉन्ग। एंड इफ़ यू गो आउट ऑफ इंडिया ये चीज़ करने पे बहुत बड़े बड़े फाइन्स है। बट इंडिया में सिंस द लॉज आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ये लोग कुछ भी करते हैं एंड इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। चलो और एक पेट्रोल पंप आ गया है, अपन इधर देखते हैं। यहाँ गर्दी है क्या? या खाली है। एक अच्छी चीज़ अबाउट माई एरिया इज़ के यहाँ पे पेट्रोल पंप्स बहुत सारे। ये मेरे घर से अब तक का ये दूसरा है और एक जस्ट मेरे घर के बाजू में है। और आज का भाव क्या चल रहा है? 120.51। बढ़िया है, चलो भाई भराते हैं और ख़र्चा करते हैं। और काम ही क्या है अपने को, बस पेट्रोल में सारे पैसे उड़ा दो। तो अपने एपनेस का ये अच्छा है कि यहाँ पे चाबी डाल के यहाँ से सीधा टंकी खुल जाता है। 300 ये लो, मेरा 500 का नोट चला गया यार। इतना दर्द होता है ना 500 का जब पत्ती टूटता है। ओके, दिस इज़ वेरी नाइस पिकअप मैन, वेरी वेरी नाइस पिकअप। एडवांटेजेस ऑफ लिविंग एट नाइट। अपने को राइट जाना है। हुसैन के 3 कॉल्स। हाँ, किधर है? मैं पहुंच गया हूँ। किधर है तू? मैं पेट्रोल पंप के पास ही खड़ा हूँ। मैं भी इधर ही हूँ। कहाँ पे है तू? अच्छा, हाँ हाँ। भाई पेट्रोल पंप के पास कहाँ पे है तू? अरे मैं थोड़ा ये साइड पे हूँ रे, टर्निंग के वहाँ पे हूँ मैं। तू पहचान लिया मेरे को? तू पहचान लिया हेलमेट में भी? भाई शूज़ कैसे लगे पहले बता? सब कैसे? ओ तूने मंगा लिए? हाँ सही है, अच्छे है। तेरे को चाहिए? रख ले भाई, ये 8 नंबर है, हो जाएगा। चाहिए तेरे को? सच्ची में तेरे लिए रख ले तो फिर। आई डोंट नो इफ यू ऑल कैन सी द क्लाउड्स और नॉट, बट द क्लाउड्स लुक वेरी वेरी प्रिटी। और ये सुबह भी ऐसे होने चाहिए। सुबह बहुत गर्मी होती है ना, बट सुबह भाई 11 बजे के देखना ही नहीं मुझे। 11 बजे के बाद बहुत गर्मी, बहुत। बट अभी ये वाला जो वेदर है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। तो ये शूज़ मैं हुसैन को गिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसको अच्छे लगे, बट मैं आज नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास दूसरे शूज़ नहीं है। आई एम सॉरी। हाँ हाँ पक्का, डन डन। मैं यही तेरे को घर पे भिजवा दूंगा। और मैं मजाक कर रहा था वैसे। भाई मज़ा आया मिलके, अच्छा लगा। हम लोग क्या 1 महीने बाद मिल रहे हैं ना प्रॉपर्ली, मिलेंगे बहुत जल्द, मिलते हैं। और फ्यूचर प्लान्स, हर बार वो ऐसे ही बोलते फ्यूचर प्लान्स, अब की बार एग्जीक्यूट करते हैं। पेशेंस, पेशेंस ये जो लाइफ में आता नहीं है। ठीक है भाई, अपन मिलते हैं फिर। रात बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हाँ चल, बाय बाय बाय। तो या गाइज, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनी ऑफ द स्नीकर्स और शूज़ दैट आई हैव शोन इन दिस वीडियो, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर स्पेशली आपको ये वाले लेने हैं जो नीचे आप देख रहे हो, तो यू कैन गो। और सबसे पहला लिंक मैं इसी का डालूंगा, मेरे पूमा के स्नीकर्स, बिकॉज मेरे को ये बहुत एक्सट्रीमली अच्छे लगे। इसी के साथ साथ अमेजोन पे अभी एक समर सेल चल रहा है, विच यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। ऑल्सो देर इज़ अप टू 80% ऑफ ऑन योर फेवरेट फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसी के साथ साथ आपको 40 लाख+ स्टाइल्स मिलेंगे, 8,000+ ब्रांड्स मिलेंगे, 4-star+ रेटिंग ऑन 7,000+ स्टाइल्स। तो फटाफट जाओ यार, चेकआउट करो। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And lastly, if you enjoyed this video for whatsoever reason, then do not forget to turn the like button, share, subscribe। आपको जो करना आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ अमन जैन। शुक्रिया।